व्हाट्सअप का चश्मा लगे। आज मेरे का एक और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि मेरे ख्याल से सबके घर में होना चाहिए, और ये है हमारा शावर फॉसेट। तो दोस्तों क्या चीज़ होती है, यूजुअली अगर आप अपने घर में पौधों को पानी देते हैं या अपनी गाड़ी धोते हैं तो आप अपने पानी की पाइप को ऐसे अंगूठे से दबाते हैं और फिर आपका पानी जो है अलग अलग दिशा में जाता है, लेफ्ट राइट या बिल्कुल प्रेशर से आगे जाता है, और थोड़ी देर अगर आप करते हैं तो आपका अंगूठा भी बहुत दर्द होने लगता है और अंगूठा जो है पानी से थोड़ा गल भी जाता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये जो है हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा ज़ेफ़र कंपनी का है और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। रेटिंग काफ़ी अच्छी थी इसकी और ड्यूरेबल भी है। अब मैं फ़र्क बताता हूँ इसको, ये हमारा ऐसी नॉर्मल किसी इंडियन कंपनी का है और ये मुझे पड़ा था 180 रुपये का। अगर आप अपनी मार्केट में ट्राई करेंगे तो आई थिंक 150 से 200 के बीच में इसकी रेंज है। ये पूरा का पूरा जो है हमारा प्लास्टिक का है और इसमें क्या दिक्कत आई कि ये भी मुझे नया ही खरीदा, इसको खरीदे हुए भी एक महीना नहीं हो पर मुझे इसका कुछ खास यूज नहीं लगा नहीं, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा एग्जांपल में कितना ज़्यादा पानी इसके अंदर वेस्ट होता है। तो और यूज़ करते हुए जो है अपने पैर वैर सब गंदे हो जाते हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि इस वाले प्रोडक्ट में ये काफ़ी अच्छा है, इससे चार गुना ज़्यादा इसका प्राइस है तो इसके अंदर वो दिक्कत ना हो। आइए इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है और क्या चीज़ है ये और क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर। तो आइए अपना बॉक्स खोलते हैं इसका। तो बॉक्स को खोलते हुए मुझे लग रहा है काफ़ी भारी है। अगर मैं इस नॉर्मल से कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से इसका वजन कम से कम दुगना तो होगा ही, 2 से 3 गुना तो होगा ही। और ये देखिए हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इसको खोलते हैं। तो देखिए ये ज़ेफ़र कंपनी के हैं और इसके अंदर और भी प्रोडक्ट्स इसके आते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप उसको यहीं से प्रोडक्ट खरीदिए तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट भी मिलेगा। इसका पानी का पाइप भी आता है, मैंने इसका देखा काफ़ी महंगा, 1500 का इसका पानी का पाइप है। आई थिंक क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी तभी है। तो ये है हमारा फॉसेट, आइए इसको मैं अपना काटता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा गंदा है पर पानी अभी अपने आप साफ हो जाएगा। तो देखिए पूरा का पूरा जो ये एरिया है ये सारा मेटल का है, आगे खाली प्लास्टिक है। ये देखिए इसका यहाँ पे अलग अलग मिस्ट है, इसके एंगल हैं, सेंटर में आपको करना हो, शावर आपको करना हो, फैन आपको करना हो तो अलग अलग तरीके इसमें पानी निकलते हैं। भैया देखिए ग्रिप की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, एकदम रबड़ की अगर आप देखें तो इसकी ग्रिप है, पीछे अलग रबड़ है, आगे अलग रबड़ है। और जो इसका जो हैंडल है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। यहाँ देखिए आई थिंक कॉपर का ये जो है लॉक वो है ताकि आपका जो प्रेशर जो आपके उसको एडजस्ट करना हो आपको। और यहाँ पे देखिए ये भी इसका मेटल का है, तो अगर आपको बहुत देर अपना हाथ अगर नहीं दबाए रखना तो वरना आपको दबाए रखना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे करिए और आप इसको बस छोड़ दिए तो आपका जो है पानी जो है चलता रहेगा। और यहाँ देखिए फेस जो है दोनों का डिफरेंस आपको दिखाता हूँ, डिफरेंस का ज़्यादा फर्क नहीं है पर क्वालिटी में तो मुझे हाथ में लगाते ही ज़मीन आसमान का दोनों का फर्क लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ दोनों ऐसे दिखने में हैं। तो आइए इसको यूज़ करके देखते हैं और कैसे सेट होता है इसको और चेक करके देखते हैं। दोस्तों ये शावर जो मैंने अपने पानी से कनेक्ट कर लिया है और अभी हमारा है जेट मोड पे, और ये जेट मोड जैसे आपको अपनी गाड़ी धोनी है उसके काम आती है। तो देखिए ये चलाऊंगा मैं, तो देखिए अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं दिखा सकता पर अगर मेरे घर में पानी का प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ है, नलका मैंने आधा खोला हुआ है और फिर भी प्रेशर देखिए बहुत तेज़ आ रहा है। दूसरा है हमारा शावर मोड, तो देखिए शावर मोड जैसे आप घर में नहाते हैं वैसे ही मोड है। पौधों को पानी देने के लिए ये वाला मोड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिनमें पानी का प्रेशर बहुत तेज डालते हैं तो पानी जो है मिट्टी से छिलक जाती है, तो उसके लिए शावर मोड काम आता है। दूसरा ये प्लस मोड है, आई थिंक प्लस मोड में सारे के सारे चलते हैं हमारे, देखेंगे लगता है शावर मोड की तरह ही क्योंकि शावर वाला चलता है तो बाकी सारे छुप जाते हैं इसके अंदर। दूसरा है हमारा सेंटर मोड,
सेंटर बोर्ड पे देखेंगे तो छोटा शावर चल रहा है जो खाली बीच में है हमारे, वाला शावर चल रहा है। इसके बाद कोन, तो देखिए आपको अलग से डिफरेंस वाला चल जाएगा। ये जो बड़ा वाला होल है ये हमारा कोन है। इसके बाद है एंगल, तो एंगल देखिए ये नीचे वाला मोड है और ये पानी से थोड़ा सा फैल के निकलता है, तो ये हमारा एंगल मोड हो गया। ये है मिस्ट, मिस्ट मतलब कि जैसे एकदम पानी के फुहारे हैं, कहीं आप शादी में जाते हैं तो पंखे के नीचे जो कूलर पानी लगा होता है वो पानी जो छोड़ता है वैसा ही मिस्ट होता है। एकदम पानी की छोटी हल्की सी बूंदें आपको लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। ये हमारा फ्लैट मोड देखेंगे आप, ये भी आगे जाके जो है फैल जाता है। अब हमारा है फैन मोड, ये देखिए यहीं से आपको दिख रहा है कि काफ़ी फैला हुआ है और एकदम एकदम फैला के अगर आपको पानी कहीं फैलाना हो, कोई धोना हो, शीशा वीशा धोना हो तो उसके काम आता है। तो वापस आ गए हमारे जेट मोड पे। ये कुछ मोड से अब मैं डिफरेंट बताऊंगा कि दूसरे वाले में क्या फ़र्क है। अब ये चल रहा है तो देखिए इसमें पानी कहीं लीक नहीं कर रहा, दूसरे वाले में बहुत पानी लीक करता है। दोस्तों ये देखिए मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, ऑलरेडी ऑफ है हमारा, उसके बाद भी इसमें कितना पानी लीक कर रहा है क्योंकि मेरे घर पर प्रेशर बहुत तेज़ है और मैंने इसके लिए यहाँ पर लॉक भी लगाया है जो हमारा पाइप निकले नहीं, फिर भी मैं चला के दिखाता हूँ इसको आपको। ये देखिए ये हमारा नॉर्मल मोड है जेट मोड, ये हमारा आपका नाम याद नहीं है, इसमें अलग अलग मोड लिखे हैं, मिस्ट लिखा है इस पर। इसका मिस्ट देखिए मिस्ट में क्या फ़र्क है, उसके मिस्ट में कितना फ़र्क था। ये हमारा फ्लैट मोड है, फ्लैट मोड थोड़ा सा ठीक है। ये हमारा कोन है, ये भी ठीक है। और ये हमारा शावर मोड है, देखिए कितना ज़मीन आसमान का शावर मोड में हमारे फ़र्क है। दोस्तों ये हमारा गार्डन फॉसेट और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, अगर हम कंपेयर करें इससे तो आपके सामने मैंने चला के देखा है। एक तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी लो है, अगर ये दो चार बार गिरेगा तो शायद टूट जाएगा। प्रॉपरली ये लोहे का मेटल का है हमारा, तो ये ड्यूरेबल भी ज़्यादा होगा, थोड़ा प्राइस ज़्यादा है पर अगर आपके पास थोड़ा बजट ज़्यादा है तो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ के लिए यही चीज़ बहुत बढ़िया है। और इसमें पानी भी बहुत अच्छी अच्छी तरह एकदम खुल के पानी आता है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो जो इस पर बना हुआ है उसके हिसाब से एक दो चीज़ों में वो पानी नहीं आता, तो अगर प्रॉपरली आपको ख़रीदना है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है आप ये ख़रीद सकते हैं। इसी कंपनी का पाइप भी आता है, ये मैंने कोई और नॉर्मल लोकल पाइप लगाया है, इसी कंपनी का पाइप आता है, वो बहुत महंगा आता है, आप वो भी चाहे ख़रीद सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसका भी लिंक मैं डाल दूँगा, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन से और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।